उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में जो माहौल है उस माहौल को ध्यान में रखते हुए मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी की ओर ढकेलने की साजिश का हिस्सा है। इसके द्वारा कैसे भी हो देश के अंदर एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश हो रही है। एनडीए गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन की इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। पूरे देश के अंदर आज जो माहौल है उस माहौल को ध्यान में रखते हुए मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सपा और कांग्रेस का यह गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी के धकेलने की साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक ओर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौहत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है करेंगे। साथ खिलवाड़ और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। आज आपने यहां पर जो उत्साह दिखाया है मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और वह है कि सरदेव कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनका पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, आपने देखा होगा जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने पर मैं स्वयं उनके गांव गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी